सो या ही गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। देखिए, बच्चे होने के बाद ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया है ना। ये देखिए, पूरे बाल, मतलब बहुत ज़्यादा बाल टूटने लग गए हैं। तो इधर देखिए, यहाँ तक बाल गायब हो गए हैं। मुझे लगता है थोड़े दिनों में तो मेरे बाल बिल्कुल साफ़ हो जाने हैं अगर इसी तरीके से टूटते रहे तो। एनीवे, तो कल आपने देखा था कि मैंने आपके साथ शॉपिंग का अनबॉक्सिंग की थी आपके सामने, और आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग क्या क्या लेके आए थे। और परसों आपको बताया था हम लोग गए थे शॉपिंग पे, तो शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग्स आपने देखे थे। और अभी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। तो ये व्लॉग होने वाला है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और हमने शॉपिंग क्यों करी है, और शॉपिंग करने के पीछे रीज़न क्या है, और विंटर के कपड़े लाने के पीछे रीज़न क्या है। तो बस, हाँ जी गाइज, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हमने शॉपिंग की थी। शॉपिंग करने का तो बहुत टाइम से चल रहा था, दिवाली पे भी था कि शॉपिंग करेंगे, बट दिवाली पे हम लोग जा नहीं पाए थे, इस वजह से फिर अभी करी थी। और फर्स्ट रीज़न तो ये था कि बिट्टू के विंटर के कपड़े लाने थे, क्योंकि उसके जो भी मतलब पिछले साल के कपड़े थे तो वो काफ़ी छोटे हो गए थे उसके, और वो तो देखो इतने जब के कपड़े थे तो वो ऑफकोर्स अभी तो आ नहीं सकते। जो भी उसके बड़े साइज़ के कपड़े थे वो मैं उसे रेगुलर में घर के लिए निकाल ली हूँ, तो वो भी मैं उसे घर पे पहनाती हूँ। बाकी फर्स्ट रीज़न ये था, और सेकंड रीज़न ये था कि हम लोग जा रहे हैं एक शादी में, और शादी है 22 नवंबर की, तो हम लोग जाएंगे 21 को, तो 21 तारीख को जाएंगे, 21, 22 और 23 को रिटर्न है। तो इस वजह से हमने करी थी शॉपिंग, और मुझे करनी नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑफकोर्स मतलब हमें तो पोशाक ही प्योर के सूट ही पहनने पड़ते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत सारे रखे हैं और मतलब बक्से भरे हुए पड़े हैं, तो तीन तीन बक्से वो भी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी लेके कोई मतलब है नहीं, वो काफ़ी पोशाक ऐसी थी जिन्हें पहना भी नहीं है, इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और बस मेरे हस्बैंड ने और बिट्टू ने, इन दोनों की मतलब इन दोनों ने शॉपिंग करी थी, और हम तीनों इसीलिए शॉपिंग करने गए थे। और शादी है मेरे मामूसा की लड़की की, मतलब मेरी कज़न सिस्टर की, जिसका नाम तनु है। तो अपकमिंग ब्लॉग्स होने वाले हैं वेडिंग के, और शादी है मारवाड़ में, मतलब परबतसर के पास है पीलवा, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। मेरा ननियाल है पीलवा में, परबतसर में, तो हम लोग जाएंगे उस शादी में। और अब आने वाले ब्लॉग्स आपको वहीं के मिलेंगे। तो देखो, मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना वेडिंग फंक्शंस वगैरह आपको दिखाऊँगी, तो आप लोग अपकमिंग ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर देखना, और आपको मेरा ननियाल भी दिखाऊँगी। तो मैं मेरे ननियाल गई थी मेरी शादी से पहले, जब स्वीटी की शादी थी, और तब गई थी, तो तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तब भी मेरा यूट्यूब चैनल था, बट उस पर मैं सिर्फ कुकिंग के वीडियो डालती थी। तो इस वजह से ब्लॉगिंग मैंने मेरी शादी के बाद से स्टार्ट की है, इस वजह से पहले मैं दिखा नहीं पाई थी। तो इस बार मैं जाऊँगी तो मेरा पूरा ननियाल आपको दिखाऊँगी, कि मेरी मम्मी का गाँव, मतलब मेरी मम्मी का मायका, मतलब मेरा ननिहाल। तो बस उसी का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग में। तो मैं जाऊँगी 21 तारीख को, 22 को रुकेंगे, 23 को हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, बट मेरे हस्बैंड की 2-3 दिन की छुट्टी है, तो देखते हैं और कहाँ का प्लान बनता है। बाकी अभी तो यही है कि फ़िलहाल तो हमें शादी में जाना है। सो हाँ जी गाइज, हम लोग जा रहे हैं शादी में। शादी में जाने का मन तो नहीं था, बट वही ना कि मेरी शादी में भी वो 15-20 दिन पहले आई थी, और हम लोग पहले शादी से पहले वो हमारे घर पे आती थी, तो 15-20 दिन, एक एक महीना, मतलब हम साथ में रहते थे, पार्टी वगैरह करते थे, और मतलब बहुत इंजॉय करते थे। तो मतलब हमें ना सिस्टर कम फ्रेंड वाला रिलेशन भी है, तो हम लोग फ्रेंड्स की तरह रहते थे हमेशा, और फ्रेंडशिप भी है प्लस सिस्टर भी है। और उसके बाद फिर उसके भाई की शादी है, तो वो देखो वो जब भी होगी तब की तब देखेंगे, बट अभी तो इस वजह से फिर उसका भी फ़ोन आया था और इस वजह से जाना पड़ेगा। तो और मेरे घर से और कोई नहीं आ रहा है, मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं और विनी जीजा, और बस हम दोनों ही जा रहे हैं। और चंचल जीजा का भी मतलब 50% है आने का, बाकी पता नहीं है। बाकी जो दो सिस्टर हैं, मोनिका जीजा, बेबी जीजा, वो नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से अभी हम तीनों ही जाएंगे, और मम्मी पापा जाएंगे, और हमारे हस्बैंड जाएंगे, ऑफ कोर्स यही लेके जाएंगे हमें। तो बस इस
इसलिए हमने शॉपिंग करी थी। तो गाइज ये रीज़न था हमारे शॉपिंग करने का। और आपको मैंने बताया था कि हम लोग वेडिंग में जाने वाले, किसकी वेडिंग में जाने वाले मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो आज मैंने बता दिया है कि हम लोग जा रहे हैं हमारी कज़न सिस्टर की शादी में। सो बस आने वाले ब्लॉग्स होने वाले हैं वेडिंग से रिलेटेड। सो अगर आपने वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको दिखाऊंगी मैं अगेन मारवाड़ की शादी। एक बार आपको दिखाया था मेरे मतलब कज़न ब्रदर की शादी थी, वो भी मारवाड़ की शादी थी, और अभी मैं वापस से आपको दिखाऊंगी मारवाड़ की दूसरी शादी। तो बहुत सारे रिचुअल्स होती है जो यहाँ पे ढूंढाड़ में और मारवाड़ में थोड़ी सी चेंज होती है, तो वो भी मैं आपके साथ दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इस वजह से ना ब्लॉग्स को पक्का 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 देखना। अभी हम लोग करेंगे पैकिंग, मैं जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ मेरी पैकिंग, और अभी मैं आपको बताऊँगी नहीं कि मैंने कौन कौन से कपड़े लिए, बिकॉज कपड़े अगर मैं दिखा दूँगी तो सस्पेंस क्या रहेगा, इसलिए बस मैं मेरी पैकिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब पिट्टू की पैकिंग करूँगी तब उसके लिए बहुत सारा सोचना पड़ेगा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डिसाइड करेंगे कि उसके सूटकेस में कौन कौन से कपड़े रखने हैं और बिट्टू वहाँ पे क्या क्या पहनेगी, तो वो हम दोनों मिलके पैकिंग करेंगे, तब आपको ज़रूर बताऊँगी। बट अभी मैं मेरी पैकिंग कर लेती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। तो यार गाइज मेरी पैकिंग हो चुकी है, ये मेरा सूटकेस है, सिर्फ दो दिन के लिए जा रहे हैं, बट आप देख सकते हो सूटकेस जो है वो ऊपर तक ओवरलोड हो चुका है, भयंकर वाला भर गया है, क्योंकि इसमें मैंने रखी है 5 पोशाक। तो देखो उनमें से मतलब 2 एक्स्ट्रा रखी है, वैसे 3 पोशाक रखी है, 2 एक्स्ट्रा रखी है कि अगर थोड़ी फिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी या फिर पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरे भी पहन सकती हूँ। तो इसमें 5 पोशाक रखी है प्लस 4 प्योर के सूट रखे हैं। तो इस तरीके से ये पैक हो गया है पूरा पैक, और ये वाले ही ड्रेस में पहन के जाऊंगी, क्योंकि ना देखो छोटा बच्चा है मेरे साथ में और यहाँ से 180 किलोमीटर है, तो हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, तो बहुत मतलब पोशाक पहन के जाना मतलब एक परेशानी वाला काम हो जाएगा, इसलिए बस मैं ये प्योर का सूट पहन के जाऊँगी। और ये मैंने अभी गोवर्धन पे भी पहना था, आपने देखा था, बट ये बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा कि ये ही पहन के जाऊँगी। इधर ये मैंने मेरा पर्स, ये मैंने मेरा पर्स पैक कर लिया, मतलब पर्स में भी सामान रख लिए हैं, तो इसमें मेरे मेकअप के सामान प्लस बिट्टू के जो भी इसके रिबन वगैरह है, बिट्टू का पर्स है, ये सब इसी में रख लिए हैं, बाद में मैं गाड़ी में रखूँगी। तो अभी ये देखिए इसमें मेरे सारा मेकअप के सामान ये सब है। तो इस तरीके से पर्स पैक हो गया है, इधर मेरा सूटकेस पैक हो गया है, और इधर ये मैंने बैंगल का सेटअप किया है। इधर ना मैंने ये बैंगल्स भी पैक कर लिए हैं, तो ये चूड़े मैंने पैक कर लिए हैं, ये पूरा एक बॉक्स तैयार किया है मैंने, इसमें आ नहीं रही थी इसलिए फिर मैंने ना इस तरीके से इसमें सेट कर दिया, और ये भी नहीं आ रही थी तो ये मैंने इस तरीके से ऊपर रख दिए। तो वैसे तो मैं जाऊंगी ना तब सोने का चूड़ा ही पहन के जाऊंगी, क्योंकि मैं हर शादी में वही पहनती हूँ, क्योंकि मेरे को ना सच्ची बता रही हूँ, एक दिल के बात बता रही हूँ, मुझे ना चूड़ों का सेट बनाना नहीं आता है, लिटरली मुझे नहीं आता है चूड़ों को सेट करना, इसलिए मैं बस सोने का चूड़ा पहन लेती हूँ या फिर बूर का चूड़ा पहन लेती हूँ, उसके आगे पीछे कुछ भी लगा लेती हूँ, तो ये वाला सीन है मेरे साथ, इसलिए मेरे को वहाँ पे जाके कंफ्यूजन वाला काम होगा, इसलिए बस यहाँ पे सोने का चूड़ा पहन लेंगे और आगे एक एक कड़े डाल लेंगे, फिर ड्रेस की मैचिंग के ये जोड़े पहन लूँगी, जैसे रेड अगर ड्रेस पहनूँगी तो रेड पहन लूँगी, और रानी कलर का पहनूँगी सूट तो उस पर रानी कलर की ये कड़ी लगा के ये चूड़ियाँ पहन लूँगी। इस तरीके से मैंने ये कुछ पैक किया है डब्बा, तो बस ये है, तो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो गई है, तो कुछ मैंने मेरा रख लिया है, और ज्वेलरी मैं लेके नहीं जाऊँगी बिकॉज तो ना। तो गाइज अभी मैंने और विनी जी जाने, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ज्वेलरी नहीं लेके जाएंगे, उसके पीछे एक रीज़न है कि बहुत शादियों में पहन लिया और सबको पता है कि हाँ भाई ज्वेलरी है हमारे पास, तो अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को लेके ज्वेलरी पहनना मतलब थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है कि कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, या फिर चोरी वोरी का भी डर रहता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब जो भी रखड़ी शीश फूल और जो ऊपर ऊपर का जो रेगुलर होता है वही सब लेके जाएंगे, बाकी हम ज्वेलरी नहीं लेके जाएंगे, तो ज्वेलरी की टेंशन है नहीं। इधर ये कर ली है बिट्टू की पैकिंग, तो बिट्टू का बैग हो गया है एकदम रेडी, और इसके सारे कपड़े जो न्यू कपड़े लेके आए थे वही सारे पैक किए हैं, क्योंकि एक भी पहले की मतलब फ्रॉक या फिर स्कर्ट इसके पापा ने नहीं लेने दिए, बट फिर भी मैंने एक चुपके से एक फ्रॉक रख ली है, क्योंकि ना वो पहनने नहीं देते हैं इसको, और इस पर अच्छी भी नहीं लगती, इस पर सिर्फ बॉयज़ वाले कपड़े ही सूट होते हैं, तो बस इस वजह से
ये देखिए बनियान वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया है, और एक पिंक कलर की फ्रॉक मैंने रखी है वो भी चुपके से, तो देखते हैं अगर ये पहन लेगी तो पहना देंगे, अदरवाइज नहीं। पिटू कहाँ जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, ऐसे बैठ के जाओगे, गाड़ी नहीं है आपके पास, पिट्टू बाय बाय। इसको तो मजे आ रहे हैं, चलो अभी यहाँ बैठ जाओ, इसको यहाँ से पकड़ ले। हा? एक बार इसके कपड़े चेक कर लेना, मैंने तो डाल दिए, मेरे को जो समझ आए वो आप एक बार देख लेना। इसको अंदर डाल। तो ये देखिए गाइस, अभी बिट्टू को भी पता नहीं है कि कहाँ जा रही है बेटी, इसके सूटकेस को लेकर रवाना अभी होने वाली थी, बट फिर हमने इसे ज़बरदस्ती से रोक लिया कि नहीं भाई अभी नहीं जाने का, अभी दो दिन बाद जाने का है, सो इट्स पार्ट ऑफ जॉक। और इधर ना मेरे हस्बैंड की पैकिंग हमने करी, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा टाइम ही मुझे इसी में लगा, क्योंकि इनके जो सूट थे वो मतलब सारे सूट इन्होंने निकाल के फैला दिए, उनमें से सिर्फ एक डिसाइड किया और उसके बाद फिर मैंने वापस से रखे, मतलब पूरा दो दिन के बाद डिसाइड करके और जैसे तैसे हमने बैग पैक कर लिए हैं। तो ये बिट्टू का सूटकेस है, वो पैक हो गया है। इधर ये मेरा बैग है जो कि ओवरलोडेड हो गया है, सिर्फ दो दिन के लिए जा रहे हैं और इसमें कपड़े इतने भर लिए हैं ना कि ऊपर ऊपर तक फुल हो गया है। और इधर ये मेरे हस्बैंड का मतलब हस्बैंड का बैग पैक हो गया है, कोट पैंट है, शूज़ है, इनका जो भी ड्रेसर ये साफा है, ये सब कुछ पैक हो गया है। और इधर ये पहन के जाने के कपड़े रखे हैं मैंने, और ये बिट्टू के लिए क्रीम वगैरह मंगवाई थी, तो ये मेरी है, ये बिट्टू की है, ये भी बिट्टू की है, तो अब इन सबको भी रखना है। तो बस सुबह बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।